कि यूपी के अलीगढ़ में एक बड़ा हादसा या फिर कहे एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और दो युवकों को मदरसे में लगे वाटर कूलर में चूहा मारने की दवा मिलाते हुए एक बच्चे ने रंगे हाथों पकड़ा है और बताया ये जा रहा है कि पकड़े जाने पर आरोपियों ने तमंचे के बल पर धमकाने की कोशिश इन बच्चों को की। सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। ये मामला मदरसा चाचा नेहरू का है जिसे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी चलाती हैं और वहीं अब मदरसे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी आपको इस बीच बता दें कि मदरसे में 3,500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और किस तरीके से एक साजिश को यहां पर एक बच्चे ने नाकाम कर दिया। दो अनजान शख्स यहां पर पानी के टैंकर में चूहे मारने की दवा मिला रहे थे, इसी दौरान एक बच्चे ने उन्हें देख लिया और इस बात की जानकारी जो अधिकारी वहां पर मदरसे के थे उनको दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और इन दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने पानी में चूहा मारने की दवा मिलाने की कोशिश की थी। तो हथियार भी आरोपियों के पास था और इसी हथियार के बल पर बच्चे को डराने की कोशिश भी की गई, लेकिन आखिरकार जो ये साजिश है उसको नाकाम कर दिया गया। तो 3,600 बच्चे पढ़ते हैं इस मदरसे में, इनको जान से मारने की साजिश यहां पर रची जा रही थी दो युवकों की तरफ से। हालांकि ये बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और वाटर कूलर में चूहा मारने की दवा मिलाते हुए दो लोगों को यहां पर बच्चों ने देख लिया था और उसके बाद आरोपियों ने तमंचे के बल पर इन बच्चों को धमकाने की कोशिश की। बता दें कि सिविल थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और जो मामला है मदरसा चाचा नेहरू का है जिसे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी चलाती है।